हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। सो टुडेज क्वेश्चन एम इज राइट अ जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ओके, सपोज हमें कोई स्ट्रिंग दिया रहेगा, सपोज स्ट्रिंग है ए बी सी डी। ओके ओके, तो वो जो स्ट्रिंग है हमें उसको केवल उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ओके, तो अभी मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी सी बी ए। ओके, तो यही हमारा कोड का एम है, हमें स्ट्रिंग मिलेगा, हमें उसको रिवर्स करना है। ओके, तो हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे। सपोज़ हमें कोई स्ट्रिंग मिला है जो हमारा स्ट्रिंग में वैल्यूज़ क्या आता है, ए बी सी डी। ओके, तो हमें करना क्या है, जो एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाना है। ओके, एक रिवर्स स्ट्रिंग हम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जो लास्ट का कैरेक्टर उठाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो लास्ट का कैरेक्टर क्या होगा, डी हो जाएगा। फिर उसके सेकेंड लास्ट कैरेक्टर उठाएंगे, सी है। फिर उसके थर्ड लास्ट कैरेक्टर उठाएंगे, बी। फिर उसके बाद लास्ट वाला कैरेक्टर उठाएंगे, ए। ओके, तो ये हो गया हमारा रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, तो हमें यही करना है कोड में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को। तो मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप में जावा नाम के फोल्डर में, और मैं प्रोग्राम का नाम देता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ program2c.java। ओके, तो अभी सबसे पहले मुझे एक क्लास बनाना है, तो मैं क्लास का नाम देता हूँ program2c। ओके, उसके बाद मैं करना है, अभी एक मेन फंक्शन बनाना है, तो मैंने एक मेन फंक्शन बना लिया। ओके, अभी हम सबसे पहले मुझे करना है इनपुट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं ले लेता हूँ स्कैनर क्लास, स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ओके, तो अभी मैंने स्कैनर क्लास लिया है, तो उसके लिए मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास को, तो इम्पोर्ट java.util.scanner। ओके, तो मैंने स्कैनर क्लास इम्पोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे करना है एक स्ट्रिंग लेना है, जो मेरा str रहेगा, जो मेरा स्ट्रिंग स्टोर करेगा, और मुझे एक और स्ट्रिंग लेना है जिसमें मेरा जो रिवर्स करके मैं स्टोर करते रहूँगा। ओके, तो मैंने एक बना लिया रिवर्स str, और जो मेरा रिवर्स str मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक स्टोर कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना रहेगा। ओके, तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग को इनपुट, system.out.print। तो मैं इसके अंदर एक इनपुट ले लेता हूँ, तो क्या ले रहा हूँ, मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, इंटर अ स्ट्रिंग। ओके, तो मैं स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं ले लेता हूँ str इज इक्वल टू sc.nextLine फंक्शन। ओके, अब मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरा स्ट्रिंग है उसका मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, कि उसका एक्चुअली लेंथ कितना है, तो मैं उस हिसाब से फॉर लूप घुमा सकता हूँ या फिर चला सकता हूँ। ओके, तो मैं ले लेता हूँ int length इज इक्वल टू str.length फंक्शन, जब मुझे इसका लेंथ मिल जाएगा, जो मेरे लेंथ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब मुझे फॉर लूप चलाना है, तो फॉर लूप क्या करूँगा, मैं रिवर्स ऑर्डर से मुझे चलाना है और उसको प्रिंट करना है। ओके, सिंपल, तो मैं लेता हूँ int i इज इक्वल टू जो मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है, तो लेंथ माइनस वन से मेरा फॉर लूप जाएगा, और मेरा कहाँ तक जाएगा, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक जाएगा, और मेरा क्या होगा, i एक मुझे डिक्रीमेंट करना है। ओके, तो मुझे लिखना है रिवर्स str इज इक्वल टू रिवर्स str प्लस str का जो str जो मेरा स्ट्रिंग का जो मुझे कैर है ना, वो मुझे चाहिए। ओके, तो मैं कैर के लेने के लिए क्या करूँगा, मुझे लिखना पड़ेगा कैर एट, मुझे केवल लास्ट का पोजीशन चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सिंपल जो मेरा स्ट्रिंग है रिवर्स, उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो system.out.print, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ the reverse string is reverse str, तो मैं rvstr को प्रिंट कर देता हूँ, और उसको मैं सेव कर देता हूँ प्रोग्राम को, और रन करता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, तो सबसे पहले उसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, फिर उसका प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, तो मैं कंपाइल लेता हूँ जावा सी से, और फाइल नेम .java। ओके, तो मेरा फाइल नेम क्या है, program2c.java। ओके, तो ये कंपाइल होगा सक्सेसफुल, वन टाइम में कंपाइल हो गया। अभी मुझे इसको रन करना है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तो मुझे स्ट्रिंग डालना है, तो मैं डाल लेता हूँ abcd। ओके, तो ये रहा हमारा आउटपुट dcba। ओके, आगे एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो मैं अपना नाम लिखता राहुल, और इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरा आ गया LUHAR समथिंग।
इस वीडियो का हमारा जो एम था हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।